नमस्कार पियाड़ी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। पियाड़ी जवानों के लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। पियाड़ी जवानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती पत्र भेजकर मांग की है कि पियाड़ी जवानों का जो है पारिश्रमिक भत्ता है उसको बढ़ाया जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। साथ ही यह भी शिकायत की है उनकी जो ड्यूटियाँ ऑनलाइन पोर्टल से जब से लगना शुरू हुई हैं तब से उनकी ड्यूटी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर लगाई जाती है, जिससे पियाड़ी के जवानों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। और इतने कम मानदेय में 100 किलोमीटर की दूरी पर यदि पियाड़ी जवान ड्यूटी करेंगे तो उनके परिवार का कैसे खर्चा चलेगा। इसके बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की है और साथ ही साथ इसके उन्होंने यहाँ पर एक चेतावनी भी दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पियाड़ी जवान अनशन करेंगे, तो उसके बारे में जो अपडेट है आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आ चुके उस अपडेट की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पियाड़ी जवानों को पारिश्रमिक प्रतिदिन भत्ता 395, ड्यूटी 100 किलोमीटर दूर। दोस्तों, यह जो अपडेट है उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पियाड़ी जवानों की मुसीबत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई के दौर में पियाड़ी जवानों को मात्र 395 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक भत्ता दिया जाता है, जो कि मजदूरी के बराबर भी नहीं है। इसके बदले में ड्यूटी पुलिस थानों, ट्रैफिक प्रशासन, सरकारी विभागों में कंधों से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 से मुसीबत खड़ी हो गई है। पियाड़ी महानिदेशालय ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें जवानों की ड्यूटियां पोर्टल के माध्यम से लगाए जाने पर 100 किलोमीटर की दूरी पर उनकी ड्यूटियाँ लग रही हैं, जिसके कारण पियाड़ी जवानों को ड्यूटी करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जवान आर्थिक समस्याओं का सामना पहले से ही कर रहे हैं। ड्यूटी पर आराम करने तक का समय नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवानों की समस्याओं का समाधान और महंगाई के दौर को दृष्टिगत रखते हुए समान कार्य समान वेतन लागू करने की मांग की है। साथ ही जवानों के पारिश्रमिक भत्ते में बढ़ोतरी कर जवानों को कम ड्यूटी पर दूरी पर ड्यूटी उपलब्ध कराने की मांग की गई है, क्योंकि पियाड़ी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पियाड़ी जवान करेंगे अनशन। दूसरे राज्यों के जवानों को आगरा में ड्यूटी देने तथा 2 दशक से तैनात अधिकारी कर्मचारियों को हटाने, भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ युवा कल्याण विभाग में ड्यूटी न मिलने के विरोध में पियाड़ी जवान अगले हफ्ते मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना देकर अनशन कर शुरू करेंगे। पियाड़ी जवानों ने भेजे मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र में कहा है कि उनकी पीड़ा और भ्रष्टाचार की शिकायत कमिश्नर, DM और विभाग के महानिदेशक से की है, लेकिन न कोई कार्रवाई हुई और ना ही उनकी फील्डिंग कर ड्यूटी दी गई है, जबकि राजस्थान के लोगों को फर्जी तरीके से रखा गया है। जबकि जांच में खुलासा भी हो गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने फिर भी नहीं हटाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।